आचार संहिता को लेकर कई सवाल अगर आपके मन में है तो आपको बता देते हैं क्या होती है आदर्श आचार संहिता, जो आज दोपहर 3 बजे डेट्स डिक्लेयर होने के बाद से ही लागू हो जाएगी। आप आदर्श आचार संहिता को लेकर अगर कोई सवाल अपने जहन में रखते हैं तो आपको डिटेल में हम जानकारी साझा करेंगे और ये आपके काम की बात भी है। आदर्श आचार संहिता निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नियम बाकायदा रखे जाते हैं, जिसमें पार्टियों और उम्मीदवार जो कि कैंडिडेट्स होते हैं पार्टी के, उनके लिए गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। दलों को नियमों का पालन करना जरूरी इसमें कहा गया है और अगर कोई भी दल या कैंडिडेट उल्लंघन करता है तो फिर इलेक्शन कमीशन आजाद है किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए। इस तरह की जानकारी जब लोकसभा इलेक्शन की डेट सामने आ जाएंगी उसके बाद से ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, ये तय समझिए। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही ये लागू हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं 5 साल में बहुत सोच समझ कर वोट कीजिए। राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग वक्त पर होते हैं, लेकिन आज जब लोकसभा इलेक्शन की डेट होंगी सामने, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी डेट सामने आ जाएंगी, तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता भी शुरू हो जाएगी। अब किस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद खत्म होती है ये भी आप जान लीजिए। चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक ये आचार संहिता लागू रहती है, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हो जाएंगे यानी कि वोटों की गिनती जब हो जाएगी उसके बाद से आचार संहिता खत्म हो जाती है, वोटों की गिनती होने तक ये जारी रहती है। आचार संहिता पर कई तरह के नियम भी लागू होते हैं, इसमें अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, अवहेलना करते हैं कोई भी पार्टी या नेता तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी खास दल के लिए इसमें नहीं होता है, ना ही आप सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकारी विमान, सरकारी बंगले का इस दौरान इस्तेमाल नहीं होता है। और सबसे खास बात यह कि कोई भी सरकारी घोषणा इस दौरान नहीं होती है, किसी भी नई योजना का लोकार्पण या शिलान्यास भी नहीं होता। पार्टियों को रैली करने की इजाजत लेनी होती है, बाकायदा ये बताना होता है इतनी रैली करनी है, यहाँ पर करनी है, इलेक्शन कमीशन परमिशन देता है। और चुनाव में खास तौर पर धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते हैं, निष्पक्ष तरीके से प्रचार होगा और ये सभी पार्टियों पर लागू होगा, इसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष सब एक ही नियम के दौरान आएंगे। आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, डेट्स भी आज दोपहर 3 बजे सामने आ जाएंगे।